हेलो दोस्तों, रत्नाविजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज की जर्नी है पंजाब से हिमाचल, फिर बीच में पंजाब आएगा और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर हिमाचल आएगा। तो छोटा सा हिमाचल का पार्ट आता है वो भी आपको दिखाएंगे, जो तो इधर के उनको तो पता ही है, लेकिन जो मेरे बाकी के व्यूज हैं उनको मज़ा आएगा देखने में कि कैसे बॉर्डर डिफाइन किए हुए हैं। इतना छोटे छोटे एरिया को भी डिफाइन कर देते हैं और हिमाचल पंजाब बना देते हैं। ऐसे आपकी लोकेशन पर भी होगा, तो वही है, ये अलग बात है कि एक ही कंट्री है तो इसलिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा फील नहीं होता। जैसे कि वो कैनेडा और यूएसए का बॉर्डर लाइन मिलती है, एक रोड मिलता है, तो इधर टप्पा इधर तो यूएसए, टप्पा इधर तो कैनेडा, है ना। चलो चलते हैं। क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो रहा, लड़ रहे हैं। ये देख कांच, ये कांच, रोज ही एक्सीडेंट मिलता है यार, रोज ही एक्सीडेंट। परमात्मा ही बचा के रखे। बिछोही आ गया, बिछोही यहाँ से शुरू हो जाएगा पहाड़। पहले आएगा पंजाब पुलिस वालों का नाका। ऐसे दो चार दुकान नहीं है, पहले भी मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पर ना। हम तब भी गुजरे हैं जब ये पुल नहीं होता था तो बरसातों में बुरा हाल होता था। लाओ जी लाओ, लगाओ लगाओ, कह रहा जाओ। तो देखते हैं गाड़ी के बीच में कुछ रखा तो नहीं है ना। जैसे ही हिमाचल की वादियों में घुसते हैं मौसम चेंज हो जाता है ना। ये चढ़ाई बड़ी खतरनाक है और रोड उससे भी खतरनाक। और देखो ध्यान से भाई, ध्यान से, गाड़ी नीचे उतर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ रही है पर इस गाड़ी की जान निकली पड़ी है। मुंडा होशियारपुर, इंजन इंजन बैठ गया होगा, स्टार्टिंग में इसका बेचारी का धुआं निकल गया गाड़ी का। लोग ना मेंटेन भी नहीं करवाते यार, बस गाड़ी ले लेते हैं, उसका मेंटेन भी नहीं कराते। प्रॉपरली टाइमली सर्विस होनी चाहिए, फिर कभी गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं आती। सब लगे हुए ब्रेकफास्ट करने, सारे ही खराब है ये वाला इतना पोर्शन। आदि पंजाब सरकार को कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे भी रोड खराब हो गया ना। ये कब गिरा पहाड़? पहले तो नहीं था, नहीं था पहले, वो थी खाई छोटी सी और बुग्गड़ सिंह की, और लड़ाई होगी। वैसे जानवरों को भी कितनी है ना मौज है, कोई घर बनाने की चिंता नहीं, खाने को मिल ही जाना है, कुदरत दे ही देती है। ये सिर्फ आदमी है जो नोटों के गांधी के पीछे भागा हुआ है ना, लग्जरी लाइफ गांधी इसने परेशान करके रखा हुआ है। मैंने कहा कि मेरे साथ रह रहे के एक चीज सीख ली तूने गाड़ी में, पूछ क्या कि नहीं बेल्ट भी लगानी और दूसरा गाड़ी अगर हाइट पे जा रही तो एसी बंद करना। पहले भी करता था। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। एसी तो बंद कर देना चाहिए, गाड़ी का प्रेशर वो लगता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी। कहाँ गया ये तो आ गया होगा वीडियो में, वीडियो चल रहा है यार। उस मंदिर में भी जाना किस दिन? मैं नहीं गया अभी तक। एक पांडवों का मंदिर है, एक उसका बजरंग बजरंगबली का, देखते ये वाला बजरंग धाम, यहाँ भी जाना है, वहां तक गए हम। लो जी आ गया खर्चा, अब आप पता लगेगा आपको हिमाचल में आ गए। ये बता वही है ना, अरे मुझे छोटी नहीं करानी। हाँ जी साहब, मुझे की का छोटियां करा ली हैं, नहीं नहीं हल्कियां करा ली हैं। चलो यू देख कितना शानदार है ये, बड़ा जल्दी चला गया बंदा। इसको पर्ची पहले मिल गई, यहाँ के रोक दी गाड़ी भाई साहब। लिखा है शराब के रेटों में भारी गिरावट, कितनी भारी गिरावट होगी भाजी? पेट्रोल में नहीं लिखते कि भारी गिरावट आते कैसे लाइन लग जाती है। और फल बहुत हो गए अंदर लगे यार, मैंगो तो बहुत ज्यादा, अंजीर बहुत। हाँ अंजीर तो सबसे बेस्ट है, वो दे व्यू देख नीचे हरा भरा पूरा। ये मेरा फेवरेट एक्टर ये वाला, हमेशा खुश होता हूँ, फेवरेट टर्न। दोनों तरफ खाई
बीच में गाड़ी पकाई, छोटा सा ही हिस्सा है, इधर भी खाई इधर भी खाई, और साथ ही पहाड़ भी खा गए यार। धीरे धीरे पहाड़ ही खाई जा रहे हैं, सारी मिट्टी लेके जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी वाले पहाड़ है ना, धीरे धीरे सारे खा खा के ये लोग अपने घर बना रहे हैं ना, सारा वो नीचे भी डालते हैं। कुछ जड़ तक कैसे आई हुई है, ये बड़ी चढ़ाई हो रही है, उन्हें पूरा पहाड़ सीधा ही कर दिया। इस ट्रक के बाद बिल्कुल रोड सीधा भागता हुआ, अब ये घूम के देखना रोड कैसे सीधा जा रहा है। चलो पहाड़ से उतर गए नीचे, आदत बनाए भूत भूत बचाए, लेकिन पर ये एक चीज बता, वो जो वाटरफॉल चलते रहते पानी, उनको कैसे बचाओगे? वो तो सारा पानी समुद्र में चला जाता है, नीचे सब पूरे संसार को पानी जा रहा है, संसार पूरे संसार को वहां से पानी जा रहा है। ये आ गया पडोका का पुराना बैरियर, यहाँ बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होने लग गया था, तो यहाँ से भी गगरेट जा सकती, जैक वाला रास्ता है थोड़ा सा ना, ब्लाइंड है, पर यहाँ से एकदम से टर्न आता है ब्लाइंड, ये देखो कुछ नहीं दिखाई देता एकदम से ब्लाइंड। ये देखो बच्चे निकले, स्कूल से छुट्टी हो गई, ये आ गया जी ईस्टपुर स्कूल बोर्ड, ईस्टपुर का बोर्ड है, ईस्टपुर अंदर चला जाता है काफी। जलेड़ी का चौक आ गया, जलेड़ी जलेड़ी जलेड़ा की जलेड़ी है खाला, फिर पेड़ा, ये देखा कैमरा बहुत बड़ा लगा यहाँ पर एंट्री पर, वो देख सामने ऊपर बंदा जो बैटरी नहीं लगाता उसको फिर ठोका जाता है चलाने से। देख कितना सुंदर लग रहा है उल्टा, नीचे पूरा इंडस्ट्रियल ये दिख रहा है ना, जैसे अच्छा गड्डी फसा के बह गया बंदा, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही, अंजान जो लग रहा, मतलब घुमा के किधर लेके आए यार, बड़ा चौड़े हो गए। अच्छा लगता है बस स्टैंड उन्ना का, काफी डिमांड है, मार्केट है, मॉल है, मंदिर है, और यहाँ आगे हमारा एक मंदिर इस तरफ, एक मंदिर इस तरफ। जय शंकर जय। अभी सोचा है, प्लान किया है कि दंगल से पहले ना इधर छोटी काशी है उधर जा रहे हैं, और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो श्राद्ध का जो पहला दिन है तो मछलियों को जो है मक्की की आटे की गोलियाँ होती ना वो खिलाएंगे, देख रहे हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। यहाँ पे रुके तो है, ये ऊना का एरिया है, ऊना का रखड़ कलोनी वाला एरिया है, रोड है, तो आगे चला जाएगा फिर महतपुर को, बहुत ज़बरदस्त रोड है ये, सीधा आपका ये मनाली धर्मशाला चिंतपुर्णी सब ये रोड जाता है, इधर को चला जाता है आपका दंगल, चंडीगढ़ दिल्ली निकल सकते हो आप। ये पोलराइज्ड है देखो, इसमें ना ब्लैक में वाइट कैसे रोड्स आ रहे हैं, नजर आ रहे वो सही है यार, डबल है ना, मजा आ गया इसको लेकर। इतनी देर मक्की दाटा लैन च इतनी देर हो गई, अच्छा ये पट्ठा बंद हो गया, अच्छा बाकी समान सारे ही रखे हुआ। अभी का वेट था कितना, तो माइनस है ना, ना अब रख 88 ग्राम। चलो मछलियाँ को फायदा हो जाएगा, साफ मिल जाएगा, पहले बता दो तो पूछ लेते। पेट्रोल वाली गाड़ी जो है ना देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वाह, मैं क्या पेट्रोल वाली जो गाड़ी है ना वो कितने सालों से पुरानी चली आ रही है, डीजल वाली गाड़ी हो गई, अब बैटरी वाली निकाली गाड़ी, और ये गैस सीएनजी वाली गाड़ी निकाली, इनके ब्लास्ट हुए ना पेट्रोल वाली गाड़ी की नेग्लिजेंसी के कारण ही कोई प्रॉब्लम आती, अदरवाइज प्रॉब्लम आती। और ये व्यू देखो सामने टेम्पल, मौसम आज भी खतरनाक है भाई साहब, कांगड़े वाला साहब है।
ये आ गया जी अभी महतपुर, ये लास्ट स्टेशन है, उसके बाद फिर पंजाब शुरू हो जाता है। यहाँ जहाँ तक हिमाचल है, ये पार्ट आता है बीच में हिमाचल पंजाब का, पंजाब फिर हिमाचल फिर पंजाब। तो यहाँ आज सीधा नहीं हमने जाना है, हमने यहाँ से लेफ्ट जाना है, एक नई जगह दिखा के लाते हैं। ये है जी रेडियम के कैप, रात को चमकते हैं, दिन में चार्ज होते हैं। क्लाइमेट बहुत जबरदस्त है भाई, ये वाले रोड को क्या बोलते हैं हम, मोटी है पता नहीं क्या, ये जखेड़ा है, जखेड़ा सारा शीशे डायमंड टी भी पी रही है। रोड देख एकदम से नीचे, यहाँ से हमने राइट जाना है बबौर साहिब नंगल मंडा बगर जी फतेहगढ़, और यहाँ से जाके आगे लेफ्ट हो जाना हमने। फिर ये आ गया हिमाचल का बैरियर, ये पंजाब शुरू हो गया। देख ले ये दो डंडे फटके लगा के पंजाब हिमाचल कर दिया ना। ये कौन से आ गया, हंडोला आ गया, हंडोला लेफ्ट, हंडोला ब्रिज की ओर। पूछे बोर्ड, बोर्ड बंद है ना, कितनी शानदार लग रही है। ओए होए होए होए, जय श्री राम। आई नजर नहीं आई मेरे को कोई भी। स्नान घाट पर जल के केवल मछलियों का खाने का सामान ही डाले, किसी भी पूजा सामग्री, समझ गए आप, लिखा जरूर जाता है लेकिन लोग मानते नहीं। ये कितना शानदार है, ये पानी ना उधर से घूम के जाएगा उधर से। जय हो, कृपा का विस्तार करना। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ब्रह्महूति मंदिर, बहुत पहले आया था मैं एक बार, और अब दोबारा देखते हैं वहाँ का रोड कैसा बन गया है। ये मंदिर परिसर पंज घटला स्नान मार्ग भी यहाँ पर देखो, ठंडी हवा आ रही है बाहर से, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, रोड बिल्कुल जंगल वाला, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। देख बड़ा घना है, पता है दिन में तो हम गाड़ी में, रात में पता लगता है, रात में जब जानवरों का राज हो जाएगा ना फिर पता लगता है। पिंगवाड़ी राइट है, जैसे जैसे जा रस्ता जा रहा है वैसे वैसे जाना है। पंजाब से घूमते थे, हाँ जी हाँ जी, पुल बन गया, पहले पिछली बार हम आए थे तो इधर से घूम के गए थे, पुल बन रहा था तब। ये देख क्या सीन है भाई, क्या ब्यूटीफुल सीन है, सामने बादलों का सीन हो जाएगा। पिछली बार यहाँ खाट से हम नीचे गए थे, वो मेरे को लगता है गाय मरी पड़ी है। यहाँ से हमने आगे जाके लेफ्ट हो जाना, गेट क्रॉस करके वाला इस तरफ जाना। जय हो सोमेश्वर महादेव मंदिर स्वामी पंजाब, देख ले ये हिस्सा पंजाब का, वो देखा कैसे बने हुए। चली जाओ चली, पता मुझे यार, चलो यार थोड़ा सा गलत आ गए थे जी, वापस मुड़ के यहाँ से सीधा फिर निकल रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को भी मतलब कि भूल गया, मेमोरी वाश आउट हो गई थी, तो आगे जा रहे हैं। पानी नहीं छोड़ना था, पानी साथ साथ में चलता है, तो शुरू से ही पहले से ही चल रहा है भाई साहब। क्या ये कौन सा गांव आ गया, लिखा नाम कहीं पे, स्वामी स्वामीपुर है, स्वामीपुर। अभी भी ठीक जा रहे हैं, ये क्या है सत्संग संग ब्यास, हंडोला आ गया, अच्छा हंडोला ओके आया, ठीक है अब मंदिर था, हाँ ये जो आ रहा है, हाँ जी ब्रह्महूति मंदिर, ठीक है हाँ ठीक है। अब इधर जाना लेफ्ट हैंड में, ये हंडोला भी इधर चला गया, इधर से हंडोला, पानी किधर आ गया, हाँ चल पानी आ गया है, घूम इधर से घूम रहा है पानी। चलो चलो कमानो सैली ब्रह्महूति, 3 किलोमीटर था जी, हाँ हूँ ऊपर को है ना, तीन तक आ गए हैं, 6 किलोमीटर आते देख देख लेखा इन्ना पै सकता यार, बहुत पहला आया मैं वही देख रहा, चढ़ाई नहीं आई, अब चढ़ाई आई है, बिल्कुल चढ़ाई बिल्कुल हाइट पे आ जाएगा, तू नहीं आया पहले, मक्की लग गई, मक्की भी लग गई, और घर देख ऐसे लोग रहते हैं यार, मेरे को तो ये हैरानी होती है, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं यहाँ बस की फैसिलिटी नहीं है, ऑटो की फैसिलिटी नहीं है, अपनी कन्वेंस है, बस एक आधी आती होगी मेरे को लग रहा है ना, बस सर्विस कम ही होगी, अरे रोड के निकलती होनी है, हाँ नंगल को निकल जाता है। अभी आ गया हंडोला विलेज, आ गया हंडोला विलेज,
नीचे पानी है, जबरदस्त वाला पानी है, पानी लेकिन कम है ना। यहाँ से अंदर नीचे ये बड़ा खतरनाक है, ध्यान से पूरा इधर से घुमा, पूरी पूरी घुमानी पड़ेगी, रास्ता बोलो नीचे लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये देख नीचे से एकदम से देवड़े घबरा गया, हंडोला ही है, हंडोला ब्रिज बड़ा अंग्रेजों के टाइम का, हाँ हाँ वापस जाके उधर जाना पड़ेगा जनाब, घुमा लाते हैं तुम्हें, ऐसी क्या बात है, बड़े धक्के खाए, देव जान डर गया था ऊपर गड्डी जाती नहीं, नहीं गड्डी अलाउड नहीं है, पैदल वैसे वह लिखा भी हुआ है कि अब मतलब कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। ये देख तब दोनों तरफ घास ही घास हुआ पड़ा है, बरसातों में मैं पहली बार आया हूँ इस तरफ, वो देख पानी देख कितना ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब नहीं ग्रीन का हो गया, नहीं ग्रीन का मतलब चलता है ना पानी, वो वाइट है खड़ा ग्रीन है, ग्रीन पता कहाँ होता है, जहाँ पे सबसे गहरा पानी होता है वहाँ पे ग्रीनिश आएगा आपको, पहले काई नहीं जब बहुत आ नहीं, नहीं हाँ यहाँ से भी रास्ता आगे से आगे आगे नीचे लगा पार्किंग नीचे खुली, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोत्री गांव हंडोला जिला ऊना, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोत्री ब्रह्मोत्री गांव हंडोला, बाकी पढ़ लेना ही। ओम भूपतिव, पूरा मंदिर चल रहा है, ऊपर देखो कितना सारा डिस्प्ले है, ये भी है उधर भी है, पानी कैसे आ रहा है, सतलुज का है ये पानी, और ये देखो झील में प्रवेश ना करें, समझ गए, गहरा पानी है, जानलेवा हो सकता है, हादसे हो चुके हैं, क्या ब्यूटीफुल व्यू है, यह ना पानी यहाँ से देख ले, यहाँ से गहरा शुरू होना शुरू हो जाता, यहाँ से लग गया, चलते पानी नहीं है मछलियाँ, हाँ हाँ तो नीचे तो पानी तो ऊपर ही चल रहा है, नीचे तो स्टेबल है, जा दो भाई साहब हमें भी अम्मी योगदान, आगे आ जा, आ गया आगे आ जा। जय हो प्रभु, पानी देख कैसे चल रहा है, बढ़िया तरीके से, ये सारा पानी जो है ना नंगल को घूमकर फिर चला जाता है आनंदपुर साहब, ये सतलुज वाला वो है, लेकिन ये अंडर उसके आता है बीबीएमबी के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आता है, देखो पानी, ब्रह्मोत्री मंदिर का देख लो जी यहाँ से कैसे व्यू है, वो सीढ़ियाँ वैसे वहाँ से भी रखी हुई इन्होंने, वहाँ से आने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुसाफिर खाना तो एक ही है हमारा घर खाना है, कहीं भी घूम आओ घर तो है वापस जाना, समझ गए, लेकिन जो हम देख सकते हैं मज़ा ले सकते हैं सृष्टि का वो हम देख रहे हैं, और मेरे पीछे पानी देखो कितना सुंदर आ रहा है, चलते चलते आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पैदल चलना नंगे पैरी सॉरी, ये देखो बड़ा टफ है, उई माँ, चल भाई चल, ये व्यू थोड़ा मिलेंगे दोबारा घर पे जाकर, वो देख सामने पहाड़ वो कितना शानदार है, लेकिन गर्मी है ना, हाँ हाँ वो हंडोला हंडोला वाला ब्रिज उधर ही है ना, वो सारा उधर, हाँ उधर से उधर जाते हैं, हाँ और ये देख गेट, चलो बहुत शानदार व्यू है इधर, ये व्यू बहुत शानदार है, नीचे खाई है बड़ी खतरनाक भाई, वो देख पानी नीचे जबरदस्त वाली खाई है, ये यहाँ तो आराम से चलो बस प्यार से, लेकिन यहाँ आजकल बरसातों में जो व्यू आ रहा है ना उसका मुकाबला कोई नहीं है। शाम के हो गए 5:30 और अभी प्रोग्राम हो गया कैंसल नंगल का, फिर नेक्स्ट विजिट में हम नया ब्लॉग बनाएंगे, नंगला के हो जी।
इस बार चलो वापस देरा हो गया, देरे से पहले पहले घर पहुंचना चाहिए। आज का जमाना खराब है, ठीक है जी। दे दो भाई साहब रास्ता, लुधियाने वाली बस है। अभी दोबारा समोसा खाने के चक्कर में देख देखी भाई बड़ा गुस्से में है, सबको आग लगी हुई है, क्यों नहीं समझ रहा। वो सामने गेट है जी महतपुर का, वहाँ से फिर पंजाब शुरू हो जाएगा। और अभी हम दोबारा हिमाचल में हैं, तो लोगों को यहाँ आग बहुत लगी हुई है, क्योंकि ये एच बड़ा बड़ा रोड है। कहाँ जाना है भाई साहब? भाई समोसे के चक्कर में पुलिस वाले को बताना पड़ेगा गाड़ी खड़ी करी है। ये अगे रास्ता कड़ा गया अगे? अच्छा हरोली जाना ये वाला। बैठिए मैं छली गया ना, पूरा गेट लगाया हुआ है, पूरा भरिया पिया छली। एक इधर और एक उधर ऐश कर। उत्तर विसर्जन के लिए भी ना एक 500 मीटर आना पड़ा, बताओ क्या बात है। छलियों की कितनी इज्जत है, यहाँ पर गेट लगाए हुए बड़े बड़े, अंदर बंद करके रखा हुआ चार दीवारी में। इधर भी देखो केड़ा है अरुण ना। तो बाप रे ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत है। किल्लू वैपरेशन तो बहुत अच्छी है ना। शाम का व्यू देख सामने कैसे लग रहा है महतपुर। जाते हुए एक्सीडेंट देखा था ये वाला, और आते हुए जैसे ट्रक में ट्रेन के द्वारा निकाल दिया गया है, लेकिन ट्रक में जब तक खत्म हो गया बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ट्रक का सारे टूट गया, ऐसे होता है। बता दें क्या सोचता है और ट्रक के साथ क्या हो जाता है।